अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा होम क्रिएशंस। कैसे हैं व्यूअर्स आप? अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश और आबाद रखे और अपनी रहमत से नवाज रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से और आपके पसंद के क्रोशेट टॉप्स लेकर आई हूँ। आप शुरू से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें बहुत ही खूबसूरत और अच्छे स्टाइल मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को ये काम बड़े ही अच्छे तरीके से आता है। क्रोशेट का काम बहुत खूबसूरत और नफीस लगता है, हमेशा हर दौर में हर तरह से बच्चों के पहले लोग बनाया करते थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से टॉप्स, उनके स्वेटर्स वगैरह बहुत प्यारे लगते थे। हमारी भी नानियाँ दादियाँ और अम्मियाँ जो हैं वो बनाती थी और बहुत खूबसूरत लगते थे, हम लोगों भी नहीं पहने। अब ये और नए स्टाइल की चीज़ें इसमें आ गई हैं और लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जीन्स वगैरह के साथ ये टॉप्स पहने जा सकते हैं। और इसके अलावा ये ऊन के भी बनते हैं और धागे के भी बनते हैं। ऊन से पहनने वाले क्रोचेट जो हैं वो की टॉप्स वगैरह हैं, ये आप सर्दियों में इसको पहन सकते हैं और बड़े ही खूबसूरत लगते हैं ये। इनकी अलग ही खूबसूरती होती है, मशीनी उससे ज़्यादा हाथ की जो बनी हुई चीज़ें होती है, या हाथ की एम्ब्रॉयडरी भी होती है, या हाथ के बने हुए जो भी आप स्वेटर वगैरह पहनते हैं उनकी अलग ही एक खूबसूरती होती है और बहुत प्यारे लगते हैं वो। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और यकीनन ये बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से टॉप इसमें लेकर आई हूँ। कलरफुल भी हैं, सिंपल भी हैं, बहुत प्यारे हैं। सिंपल सूट पर भी अगर ये सर्दियों में आप पहन लेते हैं, ये वैसे भी आम रूटीन में, तो बड़े खूबसूरत ये लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, यकीनन आपको बेहद पसंद आएंगे। आगे आगे आप देखते रहिए कि इसमें कलर भी कितने खूबसूरत हैं और करीब से कुछ डिज़ाइंस दिखाए गए हैं जिनको देखकर और बआसानी जो लोग बना सकते हैं वो इसको बना लेंगे और यकीनन उनको भी बेहद पसंद आएंगे। तो वीडियो आप देखते रहिए और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिए और दुआओं में भी हमेशा याद रखिए। और दुआओं में अपनी हमेशा याद रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए हमेशा। अल्लाह हाफिज़।